سبحان الله بكرة ولله الحمد الله أكبر كبيرا 2000 years प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर आलेली गाडी या गाड्यांच्या डब्यांची सीटिंग इंजिन पासून अशा प्रकारे आहे. पाचवा S3, सातवा S4, आठवा B2, नववा B4, दहावा B5, दहावा प्रोजेक्ट रामायण आणि दहावा अपंगासाठी लग्नासाठी डबा ठेवला आहे. क्या कहना है, जब वाजिद भाई एक जमाने में जब खेला करते थे तो उनका परफॉर्मेंस कैसा था, जस्ट डिस्क्राइब इन 2 मिनट्स. भाई मैंने तो वाजिद भाई को कभी देखा नहीं खेलते हुए. लेकिन सिर्फ हमने सुने हैं उनके बारे में. सीनियर है, लेकिन अगर मैं उस टाइम देखते रहता तो वाजिद भाई को टीम में नहीं रखता, क्योंकि उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी. मैं सुना था किधर रहता था वो पता नहीं, अभी बोल नहीं रहे. भाई ये कट करो. हमारी मैनेजमेंट टीम अपने टीम में रखती है, इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? अल्हम्दुलिल्लाह. अगला सवाल वाजिद भाई के लिए. Thousand years later. वाजिद भाई तो ऐसा भड़क गए थे. Thank you.
चाय चाय दफा है माशाल्लाह मस्जिद है मस्जिद है चिंटो चिंटो ओ वाजिद भाई मतलब सुबह से आप वाजिद भाई के लिए ले रहे हो और मतलब मजा कर रहे हो और हम सब लोग एक दूसरे की मतलब हंसी मजाक लेकिन कभी सीरियस नहीं गए आज तक हाँ थोड़ा गए मतलब के नीचे वो बीस बीस होता रहता है लेकिन आज जो मजा है ना आज जो मजा ये जो मजा मैं हिंदुस्तान के सारे आदमी को देना चाहता हूँ अपने पहले मैं तो वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम उनको इतना बोलते थे कि नुकसान बहुत ही डिफरेंट है लेकिन आपका बेटा भाई समझ में जवाब कर देना क्योंकि भाई भी वैसा ही माफी मांगा करने वाला बंदा अगर मैं नहीं रहा तो आपको भी मालूम है थोड़ा बहुत कमजोरी आ रही है खतरनाक बातें ना तो ये मुर्दे को उठा रहेगा अगर ये लोगों का रहना बहुत जरूरी है हमारे साथ और अल्लाह सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे बड़े हमको एडजस्ट करते अगर वो वाजिद भाई मेरे को गाली दिया तो मुझे भाई वो मुबीन भाई को तो हम इतनी कहते दो बोले तीन बोले चार बोले तीन बोले चार बोले कहीं वो हमारे आपा के एज के आपा के हेलो जब सेंस ऑफ ह्यूमर की बात आती है ना तो साहिब कभी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर चलिए पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आई नाको से है आपको कैसा लगता है जब साहिब मुल्ला उसे सोकर उसे फसीगा होकर जब मतीन नाको के पास में चले जाते हैं कैसा लगता है मतलब किस नजर से आप देखते हो ये किसको उठा के लाया की दोस्ती मानी जाती है तो मनोहर भाई आपको ये कैसा एक्सपीरियंस लगा मतलब ये सुबह से हम लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं 3 बजे हम लोग सब्जी भी खाए उसके ऊपर से साहिब मुल्ला और मतीन नाको का थोड़ा बहस भी हो गया लेकिन वो ठीक है वो तो चलता है ऊपर नीचे होता है ये आपको कैसे लगा मतलब ये दो शब्द में आपको डिस्क्राइब करना जवल जवल क्या भाई देखो बरू भाई ने भी जवाब दिया हैदर भाई ने भी जवाब दिया मुन्नार भाई ने भी जवाब दिया एक बंदा उसको मालूम नहीं किस बात का एटीट्यूड है यार देना पड़ेगा अभी भाई देना पड़ेगा भाई आता तक है भाई आता जी बोलती तो भाई ये भी है भाई और हमेशा उन्होंने मेरा पूरे वक्त में अच्छे वक्त में साथ दिया है और लोगों का अटेंड करने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लोगों का अटेंड करना माशाल्लाह आज तक मैंने जिनों का अटेंड किया आज तक किसी का नहीं है माशाल्लाह किसी का नहीं है वो जितना दे रहे आ रहे ला रहे लोग मुझे खुद बहुत ही अच्छा लगा देखिए
चलिए पूछते हैं मेरे और एक अजीज दोस्त सैजल, जो कि करीब करीब 15 साल से जानता हूँ, वो भी मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए पूछते हैं सैजल को, एक वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उसको अच्छा लगे कि हम दोनों ने यदि भी हमसे पूछ लिया मेरा वर्ष पता है अभी आदनान बाकी, आदनान भाई जहाँ पर भी हो स्टेज पर आ जाए प्लीज। मतीन भाई देखो, हम शैजा तुम मैं इतने साल से हमारी दोस्ती है, हम लोग हर साल में जाते थे, तो कुछ शैजा का अलग ट्रेंड रहता, कभी फोर व्हीलर का कभी जिम का, लेकिन आप पिछले कुछ साल से देख रहे हैं वो मच्छी पकड़ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हर रात दिन वही, मतलब फिश के ऊपर उसका टॉपिक है, उसके बारे में क्या बोलो? मुझे भी इतना शौक नहीं है जाने का, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, मतीन है वो हमारे दोस्त है और वो चाहे कुछ भी करे हम लोग तो उसको सपोर्ट करने वाला है बेशक। तो और एक उसकी जो बात है की, अभी टाटा की नेक्सॉन आई, भाई टाटा की अभी नेक्सॉन आई, मतलब उसका जो टेस्ट लेवल था वो 100% सेफ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शैजा वैगन आर एन i20 इज द वन ऑफ द बेस्ट कार, इसका आपके बारे में क्या कहना चाहते? देखो मुझे तो भाई अभी वहाँ पे जाना था, लेकिन क्या है कि उसका बोलने का इतना ही मतलब है कि i20 मतलब द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड, इसके अलावा दुनिया में कार नहीं है। तो इसे हम जोक समझे या कॉम्प्लीमेंट ले ले, अभी उसकी पसंद है तो मैं भी शुरू आरती ऊपर ही, चलिए चलते हैं भाई। हमारे एरिया के दो शख्स बढ़ गया था, जब कोई गाड़ी लेता है तो उसका एक सपना रहता है कि वो अच्छी गाड़ी ले, तो उन्होंने आतिफ को, अब्दुल ने और मुस्तु ने एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन ले लिया, और जो राय देने वाले जो दो लोग थे वो भी बहुत ही एजुकेटेड थे, और खास भी थे, अति माँ से मुझे गुस्से से देख रहा है लेकिन कुछ नहीं, चलते हैं आई टेन के ऊपर से मुझे कुछ गाड़ी का याद आ गया, एक बंदा है हमारा जो की उसके पास आपको पार्टी कैसे लगी?
पार्टी का हो गया, हम आते प्रॉपर्टी में। तीन घर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कैसा फील हुआ? एक आपका कुत्ता घर कमर साल की रसोई वाला, एक वाला तो ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आगे क्या प्लान है? मतलब और कौन से स्टेट में लेना चाहोगे, जैसे गुजरात है या फिर कोई दूसरा स्टेट है, तो ऐसा आपका कुछ इरादा है? जैसे आप भी हमारे भाई लोग थे, तो ऐसा कुछ आपका इरादा है? देखो इसका मैं सिंपल से आंसर दूंगा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना है कि तुम्हारे में टॉयलेट है जो कमोड, मैंने सुना वो जापान से एक्सपोर्ट हुआ था, और जो बटन दबाते हैं ओपन होता है और नीचे से पानी भी आ जाता है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है भाई। जुम्मा की वजह से माशाल्लाह चंद अतैया नाच चुके हैं माशाल्लाह, जनाब अली गडकरी इनके नौजवान बच्चे का नाम दोस्त अहबा और अली खाना ने, और रफीक नाम उसका रफीक रफीक, अल्लाह इस बच्चों को शाबाद रखे। इनके मुसीबत माशाल्लाह बहुत ही चंद अतैया वाकई मस्जिद ले देते हैं, एक है दिलावर अली गडकरी इनकी दरिया में लॉन्च हुई देखो अभी हमने आपको एंटरटेन किया है, ठीक है मुझे गला निकाल। आप क्या अपनी खुशी से लेकिन आज तक कुछ लोग ऐसे भी हैं माशाल्लाह जो बहुत मस्जिद के बाहर माशाल्लाह बोलते रहते हैं हमने ये किया वो किया वो किया, लेकिन आप तो मुझसे बिस्मिल्लाह भी सुनते हैं, बड़बड़ करते हैं, उन्होंने अब तक बिस्मिल्लाह भी नहीं शुरू की है और उन्होंने बड़बड़ करते रहते माशाल्लाह। और कुछ लोग भी ऐसे कि हम कि मस्जिद के पैसे खा रहे हैं, लेकिन हर एक हिसाब हमारे पास है, लाइट भी है एसी भी चलती है माशाल्लाह। लॉकडाउन के वक्त हमने क्या कुछ नहीं किया, दिलावर है समीर है हमने बहुत कुछ किया, लेकिन वो लोग बोलते हमने कुछ नहीं किया। मैं बता बता दिलावर रुकनु सिंह थे, बहुत लोग थे माशाल्लाह, बहुत कुछ किया। अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं माशाल्लाह, जन आता याद आ चुके माशाल्लाह, मैं नाम नहीं लूंगा माशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या क्या थीम जो आप अभी मुझे पूछा कि अब कितने में पड़ी भाई, जीएसटी लगा के 13,000 करोड़ में पड़ी। मीटिंग यहाँ पे बरकस की जाती है माशाल्लाह।